नमस्कार दोस्तों, हमारा शेडोल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है इच्छा नवमी और कहीं कहीं इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं कि आंवला नवमी या इच्छा नवमी के अवसर पर ऐसी प्रथा है, ऐसी मान्यता है कि आंवला जो वृक्ष है उसके नीचे प्रसाद वगैरह ग्रहण करने से या भोजन वगैरह ग्रहण करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। और इसी अवसर पर अभी हम आ गए हैं स्थानीय बूढ़ी माता मंदिर में और यहाँ पे भी हम आपको दिखलाएंगे। अंदर चल के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इच्छा नवमी का त्यौहार मना रहे हैं। तो बने रहें हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ और देखिए इच्छा नवमी। और यहाँ बूढ़ी माता मंदिर के ठीक सामने देख सकते हैं जल स्रोत है। पहले यहाँ पर नहीं रहता था इतना पानी और आगे एक एनीकट बना दिया गया, छोटा सा स्टाप डैम बना दिया गया जिसकी वजह से पानी रुक गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लेवल ठीक ठाक नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे पत्ते वगैरह इसमें झड़े हुए हैं, देख सकते हैं काफ़ी पत्ते गिरे हुए हैं। और हालांकि साफ पानी नज़र आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। और यह रोड अप्रोच रोड है बूढ़ी माता मंदिर तक आने के लिए और आगे कुछ गाँव पड़ते वहाँ जाने के लिए। और ये रोड कनेक्ट करती है पाली रोड को और ये बूढ़ी माता मंदिर के बाहर अभी हम खड़े देख सकते हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं लगातार। हालांकि आज सूर्य देव के दर्शन बिल्कुल नहीं हुए और मानो ऐसा लग रहा था सुबह के समय कि शायद बारिश हो सकती है। और अभी जो समय हो चुका है लगभग 2 या 3 बज रहे होंगे और काफ़ी सारी बाइक्स वगैरह आप देख सकते खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी आए हुए हैं छोटे छोटे, काफ़ी अच्छा लगता है देख कर कि त्यौहार में न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी शामिल होते हैं। और अभी हम आ गए हैं बूढ़ी माता मंदिर के अंदर, आ गए हैं प्रांगण में और देख सकते हैं पूरा प्रांगण यहाँ का हरा भरा है, काफ़ी स्वच्छ प्रांगण है। और हालांकि नवरात्रि के समय तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं माता जी के दर्शन करने। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बगल में एक जल स्रोत भी नज़र आ रहा है। अभी गर्मी के समय में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इस समय पानी आपको दिखलाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बूढ़ी माता मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पे हनुमान जी महाराज की मूर्ति है और बगल में और भी कुछ भगवान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ चारों ओर खड़े हैं, बैठे हैं। और आंवला वृक्ष आपको दिखलाना था, ये देखिए ये आंवले का वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे लोग यहाँ पर आकर जो है तो इच्छा नवमी का त्यौहार मनाते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर इच्छा नवमी के अवसर पर शहडोल निगम कॉलोनी से भी लोग आए हुए हैं और काफ़ी प्रफुल्लित एवं हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ये देखिए बच्चों में विशेष उत्साह नज़र आ रहा है, हालाँकि ये बालक पता नहीं क्यों गुस्साया हुआ है, शायद नाराज सा नज़र आ रहा है मुझे। भाई आप काहे नाराज हो भाई, एक बार मुस्कुरा दो। हाँ मुस्कुरा दिया। और आइए हम बूढ़ी माता मंदिर में अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। तो आइए यहाँ पर हम अभी बूढ़ी माता मंदिर में पंडित जी उपस्थित हैं और पंडित जी से हम जानते हैं इच्छा नवमी के महत्व के बारे में। तो पंडित जी कुछ बताइए कि इच्छा नवमी का क्या महत्व है? अपनी सभी मनोकामना पूर्ति के लिए इच्छा नवमी मनाई जाती है। आदमी के मन में जो जो इच्छा होती है उस दिन आंवला के पेड़ के नीचे जी या उसका पूजन करने से उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इच्छा नवमी की सभी को, यहाँ पर जितने भी उपस्थित जन हैं और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को आंवला नवमी या इच्छा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और अभी हम आ गए हैं बूढ़ी माता मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराएंगे माता जी के। तो सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे हनुमान जी महाराज के, यहाँ पर हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं और ठीक सम्मुख श्री राम जानकी माता जी हैं, लक्ष्मण जी महाराज हैं। आप दर्शन करिए, आप भी घर बैठे ऑनलाइन दर्शन करिए। तो अभी आपने दर्शन किए बूढ़ी माता मंदिर में और माता जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए आपने। तो आइए हम चलते हैं शिव मंदिर की ओर, शिव जी के भी दर्शन कर लीजिए। और बूढ़ी माता मंदिर परिसर में ही यहाँ पर शिव मंदिर
है और शिव मंदिर के ठीक बगल में आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर है। तो हम अभी अंदर चलकर प्रयास करेंगे आपको दर्शन कराने के, लेकिन काफ़ी भीड़ होगी हम ऐसा समझते हैं। और बूढ़ी माता मंदिर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पौराणिक जो है ऐतिहासिक मूर्तियाँ भी हैं, पाषाण से निर्मित है, पूरी पत्थरों से निर्मित हैं। उस समय मैं बता दूं किसी प्रकार कोई ऐसा टूल्स या नहीं होता था कि हम मूर्तियां वगैरह बनाएं, लोग पत्थरों से ही से तराश कर बनाते थे। और काफ़ी ऐतिहासिक महत्व की भी मूर्तियां यहां पर हैं। और अभी हम आ गए हैं शिव मंदिर के अंदर और देख सकते हैं भोलेनाथ जी के दिव्य दर्शन, आप भी ऑनलाइन घर बैठे करिए। और काफ़ी लोग श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पूजन कर रहे हैं और एक बालक भी देख सकते हैं पूजन में मशगूल है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे अंदर आना होता है, काफी सीढ़ियाँ वगैरह हैं। और पूरे मंदिर परिसर को आप देख सकते हैं काफी व्यवस्थित है। यहाँ एक और कुआं है और ठीक बगल में वाटर टैप वगैरह भी लगे हैं पीने वगैरह पानी के लिए। और ऐसा बताया जाता है इस कुएं के बारे में, इस कुएं के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मिनरल्स बोल सकते हैं, जो कि प्राकृतिक तौर पे हैं, जिन्हें कि आप पानी पीने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, स्पेशली चर्म रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। हालांकि आज इच्छा नवमी के अवसर पर आप देख सकते हैं सूर्यदेव के दर्शन आज सुबह से ही नहीं हुए और ऐसा लग रहा था सुबह की शायद पानी गिर सकता है, शायद कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई होगी। आइए आगे चलते हैं, एक वाटर सोर्स है यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखकर। और विधिवत घाट टाइप का बना दिया गया है यहाँ पर, तो उसे हम आपको दिखलाएंगे। हालांकि अभी पिछले काफ़ी 6 महीने पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नज़र नहीं आता था और संभवतः यहाँ पर पानी को रोक दिया गया इसलिए पानी यहाँ पर नज़र आने लगा है। तो चलकर देखते हैं और देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल पक्का रास्ता है अलग अलग गांव की ओर जाने के लिए। और अगर आपको याद होगा, आपने एक मेरा ब्लॉग देखा होगा बाईपास रोड या रिंग रोड शहडोल के नाम से, तो वहाँ पर जाने के लिए इसी रास्ते को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं वहाँ। और देख सकते हैं यहाँ पे वाटर सोर्स जो है, यहाँ का पानी काफ़ी रुका हुआ सा है, थमा हुआ सा है। और एक अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जल में प्रतिबिंब बन रहा है वृक्षों का अगल बगल, वो कितना ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे पानी को रोका गया है कुछ हद तक। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर। और ये देखिए बढ़िया पक्की सीढ़ियां वगैरह बना दी गई हैं आने के लिए। और ये कार्य जो संपन्न हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हुआ है। स्टाफ डैम बनाया गया है, साफ सफाई का कार्य किया गया है। और यहाँ से संभवतः बूढ़ी माता मंदिर के पास से जो रोड, अभी जिस रोड से हम आ रहे हैं, ये देवगमा करके कोई जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, गांव जा सकते हैं। तो बस दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा। जिन्होंने भी हमारा शेडोल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारा शेडोल यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।